मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन। प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी की हुई बैठक, देखिए प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता विशाल रावत की एक खास रिपोर्ट। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रशांत कुमार गुप्ता ने पदाधिकारियों को प्रतापगढ़ कार्यालय प्रताप भवन में मनोनयन पत्र देकर पार्टी की नीतियों को आम जनमानस तक पहुँचाने का निर्णय लिया। इस बैठक में मुख्य अतिथि माननीय अनिल कुमार सिंह तथा सह प्रभारी पूर्व प्रमुख विवेक त्रिपाठी रहे। इसका संचालन धीरेन्द्र सिंह ने किया। इसके साथ ही बैठक में जिला सचिव संतोष द्विवेदी, माननीय एमएलसी के मीडिया प्रभारी मुक्कू ओझा, युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष प्रवीण चतुर्वेदी भी मौजूद रहे। साथ ही व्यापार प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष का पद धीरेन्द्र सिंह को देकर उनको लाल साहब द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर उप जिला सचिव शैलेंद्र सिंह, जिला महासचिव विकास गुप्ता, नगर अध्यक्ष सुंदरम प्रकाश मिश्रा, महासचिव शमीम अहमद, आलोक कुमार, विपिन उप सचिव मोहित, रितेश कुमार, इंद्रजीत उपाध्याय, जिला सचिव सिकंदर अली, रज्जाक अली, संजय यादव, जिला सदस्य विपिन सिंह जेठवारा एवं समस्त नवनियुक्त पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण किया। देखिए इस मामले में क्या कहना है मुख्य अतिथि अनिल कुमार सिंह तथा जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत गुप्ता का। वही सलाह शुरू हो जाती है ऐसे आपकी पार्टी चलाती है। वो 6 बार विधायक मंत्री होते हुए उनको पार्टी गठन करने की क्या जरूरत है, और जिस सीट से वो लगातार विधायक होते चले आ रहे हैं, हमको नहीं लगता कि जब तक वो रहे कोई उनको हरा पाए। उसके बावजूद उनको पार्टी का गठन करना पड़ा, इसलिए करने पड़ा। वो व्यापारियों का दर्द बांटना चाहते हैं, उनके बीच बैठना चाहते हैं, अपना नेतृत्व भेज के उनके सामने अपनी बात रखना चाहते हैं, उनके मुद्दों को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन करना चाहते हैं, उनकी बात पूरे हिंदुस्तान में रखना चाहते हैं। वो नौजवानों की बात करना चाहते हैं, वो व्यापारियों की बात करना चाहते हैं, वो बेरोजगारियों की बात करना चाहते हैं, इसलिए आज जनसत्ता दल लोकतांत्रिक व्यापार प्रकोष्ठ का विस्तार था। आज हमारी प्रथम मासिक बैठक थी। 51 सदस्यीय टीम, जिसमें कि उपाध्यक्ष, महासचिव, प्रधान महासचिव, उप सचिव, सदस्य, कुल 51 सदस्यीय टीम का आज हमारे यहाँ गठन हुआ, जिसका मनोनयन पत्र वितरण किया गया और माननीय सह प्रभारी विवेक जी और माननीय MLC साहब के प्रतिनिधि लाल साहब जी ने उसको वितरण किया। और व्यापार प्रकोष्ठ का गठन जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी में इसलिए किया गया है कि भाजपा के शासन काल में न व्यापार बच रहा है न व्यापारी बच रहा है। यहाँ उद्योग लगाने से पहले फिरौती की रकम मांगी जाती है। आए दिन लूट, हत्या, डकैती जैसी घटनाएं प्रतापगढ़ में दिनों दिन प्रगति के पथ पे हैं। हम व्यापार प्रकोष्ठ से संबंधित हैं, व्यापारी गठन कर रहे हैं। हम 2022 अपने माननीय राजा भैया जी को मुख्यमंत्री के रूप में हर व्यापारियों से उम्मीद लगाएंगे, अलग जगाएंगे कि उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखें और व्यापारियों की हित रक्षा उन्हीं के द्वारा हो पाएगी। हमारे यहाँ जो हमारे सांसद हैं, आए दिन इनके यहाँ चोरियाँ हो जाती हैं, तो ये आम जनता, प्रतापगढ़ की आम जनता और आम व्यापारियों की सुरक्षा क्या कर पाएंगे? ये खुद की अपनी की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रतापगढ़ में जो आम जनता है, व्यापारी, उनकी सुरक्षा कभी नहीं हुई। आज़ादी के बाद से पहली बार प्रतापगढ़ में अगर क्राइम व्यापारियों के साथ बढ़ा है, तो ये 2020-21 का साल रहा होगा, वो भी भाजपा का शासन काल रहा है। इसमें कहते हैं कि व्यापारियों का शासन काल है, व्यापारियों की पार्टी है, फिर भी उनका सबसे ज्यादा शोषण अगर हुआ तो भाजपा के शासन काल में। इसको तो आप तो मीडिया बंधु हैं, आप ही बता सकते हैं कि तो ग्राफ उठा के देख सकते हैं 2021-2020 में व्यापारियों के साथ कितनी घटनाएं घटित हुई हैं, ये किसको डाल रहे हैं किसको नहीं डाल रहे हैं, तो आप लोगों की आंखों के सामने है, इसको बताना कोई आवश्यकता नहीं है। प्रशांत कुमार गुप्ता, जिला अध्यक्ष, व्यापार प्रकोष्ठ, जनसत्ता दल। लगातार दाम बढ़ रहे हैं, क्या वजह है कि सब पार हो गया है और आम जनता को ज्यादा खर्चा करना पड़ा? यह निश्चित रूप से कच्चे तेल के दाम बढ़ने की वजह से दाम में बढ़ोतरी हो रही है और ये प्रतिवर्ष इस तरह की समस्याएँ बढ़ती जाती है, तो दाम बढ़ाना पड़ता है सरकार को। लेकिन जब दाम घटता है तो सरकार को टैक्स
कम कर देना चाहिए, दाम कम कर देना चाहिए, और जब दाम बढ़ रहा हो तो टैक्स कम कर देना चाहिए, और अगर टैक्स नहीं कम कर रहे हैं और राज्य सरकारें नहीं इस पर सहमति दे रही हैं तो इसको GST के दायरे में ले आया जाए ताकि उस पर काबू पाया जा सके और उसका दाम कम हो जाए, लोगों को राहत मिले, किसानों को भी और सामान्य सभी लोगों को राहत मिले, जो महंगाई है उस पर काबू पाए। लखनऊ में ट्रक लूट का हुआ खुलासा, देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। लखनऊ की काकोरी पुलिस ने 6 फरवरी को हुई ट्रक लूट के मामले में 11 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने लूटा गया तेल और 4,00,000 से अधिक की नकदी और लूट में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद किया है। देखिए इस मामले में क्या कहना है DCP दक्षिणी रवि कुमार जी का। कौन सा गिरोह है जो तमाम? देखिए ये थाना काकोरी की पुलिस ने और हमारी सर्विलांस टीम ने, क्राइम टीम ने काफी अच्छा गुड वर्क किया है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कुल 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और उनसे पूछताछ की गई है, तो घटना जो प्रकाश में आई है वो 5 और 6 फरवरी की रात्रि की है। एक ट्रक बरेली से चक्र ब्रांड का तेल लेके चलता है, तेल के कार्टन रहते हैं उसमें, और शाहजहांपुर में हरदोई चौराहा है वहाँ पर उस ट्रक का टायर पंक्चर हो जाता है, तो 4 लोग उसके ट्रक ड्राइवर के पास आके मदद मांगते हैं और बोलते हैं कि उसको पैसेंजर की तरह बिठा लें और लखनऊ तक ले आएँ। तो ट्रक ड्राइवर ने उन 4 लोगों को बिठा लिया, रास्ते में उन 4 लोगों ने ट्रक ड्राइवर को कुछ नशे का प्रयोग करते हुए उसको बेहोश कर दिया और गाड़ी को कैप्चर कर लिया, फिर उसको यहाँ पर ले आते हैं और लखनऊ के अंदर में ला के उस एक सुनसान जगह पर गोमती के किनारे उस ट्रक से लोडर के माध्यम से उसके तेल को चोरी कर लेते हैं, निकाल लेते हैं और उसके बाद ट्रक ड्राइवर को छोड़ देते हैं। इसी क्रम में 5 और 6 फरवरी की रात की घटना के क्रम में मुकदमा थाना काकोरी पर पंजीकृत किया जाता है और कुल 11 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इनसे जो रिकवरीज हुई है लगभग 121 कार्टन तेल के, 4,10,000 रुपये के करीब में अमाउंट जो इन्होंने तेल को बेच के कमाए थे, और जो है इनके पास से कुछ अन्य औजार भी बरामद हुए, टूल्स भी बरामद हुए, तमंचा भी बरामद हुआ है, जो ये लोग संभवतः कोई दूसरी घटना भी करने डकैती डालने के प्रयास में एक इकट्ठा हुए थे, तो उसमें गिरफ्तारी इन लोगों की गई है और अभी भी इनमें 3 और अभियुक्त वांछित हैं, उन लोगों को भी जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। और इस तरह से काफ़ी अच्छा है गुड वर्क हमारी क्राइम टीम ने और काकोरी पुलिस ने किया। इसमें एक व्यवसायी भी हैं जो जट्टा के रहने वाले हैं और ये जो इन्होंने तेल था मुख्यतः पहले 4 लोगों ने वहाँ पे जब कैप्चर किया था वो उसमें एक ट्रक ड्राइवर भी है और बाकी उसके अन्य साथी क्लीनर हुआ करते थे और उन 4 लोगों ने पहले कैप्चर किया, उसके बाद फिर अपने 2 अन्य ट्रक ड्राइवर जो दोस्त थे उनसे संपर्क किया और उन लोगों ने फर्दर आगे जो है अन्य बिजनेसमैन को कॉन्टैक्ट किया और छोटे छोटे जगह पर भी जो बेचा है इस तेल को, तो इस तरह से करके एक पूरी चेन बनी है जिसमें अभी तक 11 लोग गिरफ्तार किए। ये जो है एक जेहटा में ये जो बिजनेसमैन है इन्हीं का गोदाम था, वहीं पर इन लोगों ने रखा हुआ था और वहाँ से भी बेचा है, कुछ अन्य जगहों पर भी बेचा है इन लोगों ने, जो कहीं छोटी छोटी जगहों पर छोटे छोटे अमाउंट में करके इन लोगों ने बेच दिया था, वैसे करके इन लोगों ने जो पैसे इकट्ठा किए थे वो भी बरामद किए हैं, जो अमाउंट कुल 4,10,000 के करीब में है और इस तरह से एक काफ़ी अच्छा गुड वर्क थाना काकोरी और सर्विलांस टीम ने किया। देखिए अभी चूंकि इनकी गिरफ्तारी हुई हुई है तो इनके आपराधिक इतिहास भी छानबीन की जा रही है और इनके अन्य जो है अन्य जनपदों में भी सूचना दी गई है और अगर इन्होंने कोई और अन्य घटना भी की होगी तो वो भी प्रकाश में आएगा और इस पूरी घटना को वर्कआउट करने के लिए जो थाना काकोरी की पुलिस है और हमारी सर्विलांस टीम है इन लोगों को प्रशस्ति पत्र के द्वारा इन लोगों को जो सम्मानित किया जाएगा और इनके कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है। ये तो बिजनेसमैन था, बिजनेसमैन का क्या नाम है और ये इन लोग के संपर्क में कब से था और ये जो लूटा हुआ सारा माल बेचता था लेकिन कस्टमर को पूरा सेल किया जा रहा है? देखिए ये छोटे रिटेल में जो है छोटे छोटे अमाउंट में एक एक करके जो ये मार्केट में सेल आउट कर रहे थे और क्योंकि एंड कस्टमर को तो पता नहीं रह रहा है कि वो कहाँ से माल खरीद रहा है, लेकिन ये जो मेन स्टॉकिस्ट थे इन्होंने जो खरीदा था उनको पता था कि चोरी का माल है, सस्ते में खरीद के ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में उस माल को बेच रहे थे। इसमें नाम अंकित किया हुआ है, ठीक है, इनका जेहटा में रवि साहू अंकित साहू हैं। अभी चूँकि इनकी गिरफ्तारी हुई है तो ये जो घटना प्रकाश में आई है इनके बैकग्राउंड डिटेल्स देखे जाएंगे, इनकम टैक्स को भी सूचित किया जाएगा कि
कि अगर ये कहीं से चोरी का माल लेके अवैध धनोपार्जन कर रहे हैं तो इनकी और बैकग्राउंड चेक करें वो लोग, और इस तरह से पूरा खाका इनका जो है छानबीन किया जाए। सलोन में वाहन चेकिंग के दौरान भागा युवक, देखे सलोन से हमारे संवाददाता कपिल तिवारी की एक खास रिपोर्ट। सलोन कोतवाली क्षेत्र के सूची चौकी के टिकरिया मोड़ के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक युवक अजय सिंह को रोकने का प्रयास किया गया, जिसके बाद आरोपी भागने लगा, जिसके मौके पर मौजूद चौकी इंचार्ज मृत्युंजय बहादुर तथा कांस्टेबल बालक राम सहित कई सिपाहियों ने दौड़कर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान युवक के पास से एक अदद देसी तमंचा, 12 बोर व 2 जिंदा कारतूस मिले हैं, जिस पर सलोन कोतवाली पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया है। प्रतापगढ़ में नहीं हो रही सड़कों की मरम्मत, देखिए प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता विशाल रावत की एक खास रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जहां पर नाले का पानी आने की वजह से हमेशा पानी भरा रहता है, जिससे कि आए दिन हादसा होता रहता है। वहीं लोगों को इस वजह से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद भी अभी तक नाले का निर्माण और सड़कों की मरम्मत का काम नहीं हुआ है। देखिए इस मामले में क्या कहना है देवीलाल मिश्रा, राजभर वर्मा स्थानीय निवासी, राजकुमार पाल सदर विधायक तथा नगर पालिका मुदित सिंह एओ का। सड़क पर जो है जल जमाव की जो है, क्या वजह है कि जिस सड़क पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए, काफ़ी दूर से पानी आ रहा है, ये KGN फर्नीचर के सामने से पानी काफ़ी दूर से आ रहा है, और जो है कि इसके विषय में कई बार कहा भी गया लोगों से, और प्रायः यहाँ तो गिरते रहते हैं, फिर इतने बड़ा होता रहता है, हम लोग परेशान रहते हैं कि सब बने और कोई व्यवस्था बन नहीं पाई। कितने दिनों से समस्या हमको लगता है 2-3 महीने लगभग हो रहा है। आप लोग कहीं शिकायत किए थे इसका? तो शिकायत तो खैर लिखा पढ़ी कहीं नहीं हुई है, और जो है कि ऐसी अभी आने जाने वाले लोग हादसे के शिकार हुए। हाँ हाँ, हादसे के शिकार हो जाते हैं। क्या नाम है? छोटेलाल मिश्र। सड़क दुकान, क्या वजह है आपकी दुकान का? वजह है कि यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, इकट्ठा हो गया है, लोग आते आते जाते गिर जाते हैं, रोड काफ़ी लगी और उसमें काफ़ी फर्क पड़ गया था, अखबार चला गया था, थोड़ा जिसका गिरती रहते हैं, बाइक गिरती रहती है, हम सब बोलना मिल करके उसको उठाते हैं, सहायता करते हैं, उसको बनवाना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन सदर विधायक राजकुमार जी यहाँ पर आए थे और उसने आश्वासन दिया कि इसको जल्द से कार्रवाई करके बनवाया जाएगा। क्या नाम है? हमारा नाम राजभर वर्मा। सुनने वाली जो नगर पालिका में आती है, कमी में एक खस्ता हालत है, इसमें पानी भर हुआ है, इसमें जो है एक्सीडेंट आते जाते लोग होते हैं, अभी तक ग्रामीण कहना कई एक्सीडेंट हो गए, इस पर आप कहें। देखिए ये सच है, मैं भी उसी रोड से आ जा रहा हूँ, और ये ग्राम पंचायत अब नहीं रही, ये नगर पालिका की सीमा में पूर्णतया शामिल हो चुकी है, इसलिए मैंने सक्षम अधिकारी जो नगर पालिका के यो हैं, मैंने उनसे बात की है, उन्होंने आश्वासन दिया है एक नई योजना के तहत जो अमृत योजना है, उस अमृत योजना के तहत नालों का विकास होना है और उन गांवों का विकास होना है जिन गांवों में गांव को नगर पालिका सीमा में शामिल किया गया है, इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द ही इसकी कठिनाइयों को हम लोग दूर कराएंगे, और ये सही है, ये जनहित में नहीं है, इसमें अक्सर दुर्घटनाएं हो रही हैं, यह सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसके लिए हम पूरी तरह प्रयासरत हैं और बहुत जल्द ही इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, और निश्चित है इसको जनता को इससे सुविधा दी जाएगी, और सक्षम अधिकारी सब इसके लिए काम करेंगे और उसको हमें निर्देशित भी करेंगे। वहाँ पर घरों का पानी जिसके निकलने का मैंने उसे खाली खाली प्लाट में जाता था, और अब वो प्लाट को उन्होंने अपना मकान बना रहे थे, इसलिए वो पानी सड़क की तरफ आ रहा है, उसके निकासी की पूर्व में ग्राम पंचायतों द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई। अभी तत्काल हमारे अभिरक्षण में वो ग्राम आए हैं, और जैसे ही हमें धनराज बढ़े हुए क्षेत्रों के लिए प्राप्त होगी, उसका आंगन तैयार कर उसकी निंदा करके उस नाले को बनवा दिए। आए दिन जो है हादसाएँ हो रही हैं लगातार, दूसरे तीसरे दिन जो है किसी का पाइप टूट रहा है, किसी का ठेला पलट जा रहा है, ऐसे में वहाँ कुछ ना कुछ व्यवस्थाएँ अभी हालत में होनी चाहिए।
अभी हालत में हमने कच्ची नाली बनवाने का प्रयास किया था, लेकिन वहाँ के लोगों ने उसका विरोध किया कि इसमें कोई गिर सकता है और कोई दुर्घटना और घट सकती है, इसलिए वहाँ लोगों के विरोध के चलते वो कच्ची नाली नहीं बनाई जा सकी और अनुपलब्धता इस समय नहीं है कि उस नाली का निर्माण कराया जा सके। जैसे ही धन मिलेगा वैसे नाली बनवाएंगे और पुनः प्रयास करेंगे कि वहाँ के लोगों को मोटिवेट करके कच्ची नाली का निर्माण कराएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।